एकदम अनश्योर था कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है। बहुत बार ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं आता, रैंक बहुत वेरी होता था, कभी टॉप 100 कभी 300 में भी नहीं आता था। मैंने कोशिश की कि सारे टॉपिक कवर हो, पर एट द एंड मैं जानता था कि कुछ टॉपिक्स मेरे वीक है। PSU मेरा ड्रीम था तो जानता था टॉप 100 ही एक ऑप्शन है। इतना कुछ था लूज करने को, मैं जानता था कि मेरे कंपिटिटर्स भी बहुत अच्छी तैयारी किए हैं, तो उनके साथ कम्पीट करना आसान तो नहीं रहने वाला। पर सबसे बड़ी बात, मैं जानता था कि जो इकलौती चीज़ मेरे कंट्रोल में है वो है मेरी परफॉर्मेंस उन 3 आवर्स में, तो मैं सिर्फ उसी पर ध्यान देता था। मैंने कभी अपनी परफॉर्मेंस किसी से कंपेयर नहीं की। सबका अपना तरीका होता है चीज़ें करने का। मैं कोशिश करता था कि अपने स्ट्रेंथ को एग्जीक्यूट करूं। 5th February 2017 था जो डे बहुत मैटर करने वाला था। रात भर नींद नहीं आई। वो दिन ऐसा था कि मेरी पूरी लाइफ चेंज कर सकता था। एग्ज़ाम 9 बजे चालू होने वाला था तो मैं 8:45 को अपने टेबल पर बैठ गया। मेरी हार्ट बीट F1 कार से भी फास्ट चल रही थी। प्रेशर बहुत आ गया था। खुद को कूल रखना बहुत इम्पोर्टेंट था उस समय। मैं हेड डाउन करके बैठा, लंबी लंबी सांस ली, खुद को याद दिलाया कि मैंने बहुत मेहनत की है, इतना रात रात भर जग के पढ़ा हूँ, काउंटलेस आवर्स पुट किया हूँ अपनी मेहनत। जस्ट एग्ज़ाम के 2 मिनट स्टार्ट होने के पहले मैंने खुद को याद दिलाया कि मेरा प्लान क्या है, कैसे मुझे एग्ज़ाम में प्रोसीड करना है, कौन से क्वेश्चन बनाने हैं, कितना टाइम देना है किस क्वेश्चन पे। ये सब वो चीज़ें जो मैं पहले से प्रैक्टिस करके आया था टेस्ट सीरीज में। फाइनली एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, पर जैसे मैंने उम्मीद की चीज़ें वैसी नहीं जा रही थी। मेरा एप्टीट्यूड अच्छा पार्ट था, जल्दी सॉल्व हो जाता था हमेशा, पर वो दिन ऐसा निकला जिस दिन एप्टीट्यूड में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और क्वेश्चन भी नहीं बने। फिर भी नेक्स्ट थॉट था मन में, इज इट द एंड? मैंने इतना मेहनत किया, सब यहाँ ख़त्म होते हुए दिख रहा था। मैंने मेरी ड्रीम्स मेरे आँखों के सामने टूटते हुए दिख रही थी। मैंने खुद को रोका, याद किया कि मैंने यार इतना मेहनत किया है इतने दिन तक, फाइनल मोमेंट में गिव अप नहीं करना, कुछ भी हो। कवर अप करने के लिए जो लॉस्ट टाइम था मैंने स्पीड बढ़ाई, पर स्टिल एक्यूरेसी हमेशा से मेरा मेन फोकस था। फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। मैं जानता नहीं था कैसा है पर कैसा रहा, पर मैं एग्ज़ाम्स हॉल से जब बाहर आया तो मैं खुश था कि मैंने जितना एफर्ट पुट किया है उतना मैं मैक्सिमम दे सकता था, क्योंकि मेरा बेस्ट देना ही इकलौती चीज़ है जो मेरे हाथ में थी, बाकी कुछ नहीं। ये जानता था कि मैं अब सोचने से ज़्यादा रोने धोने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि एक बार पेपर सबमिट हो गया तो हमारा फेट सील हो जाता है वहाँ पे। मैं आपकी करेंट सिचुएशन अभी यही होगी, आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है, लग रहा है बार बार हर चीज़ भूल जा रहे हैं, बहुत सिली सिली मिस्टेक्स के कारण ऐसे मार्क्स आ रहे हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते। बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इन लास्ट डेज में। जो लोग टॉप 100 में रैंक ला रहे वो उम्मीद कर रहे होंगे कि यार उसको टॉप 10 में कन्वर्ट करो। जो लोग टॉप 500 में ला रहे हैं वो उम्मीद कर रहे होंगे कि टॉप 100 ही आ जाए। मेरा भी सेम सिचुएशन थी उस समय, पर खुद को कूल रखना ही सबसे ज़्यादा मैटर करता था। अगर मैं खुद को ये सब चीज़ें सोच सोच के ये सब चीज़ों से डिस्टर्ब होता तो मैं कभी अपना बेस्ट नहीं दे पाता। रैंक किसी के ना बस में नहीं होता, आपके बस में सिर्फ ये है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। याद रखिए अपना बेस्ट। जब भी मेरा टेस्ट में मैं अपना बेस्ट अचीव करने से चूक जाता था, हमेशा मैं बैठ के एनालाइज करता था कि क्या मिस्टेक्स हुई, उसको रेक्टिफाई करता था। मेरी मेमोरी अच्छी नहीं थी तो मैं अपनी वीकनेस पे भी काम करता था। चाहे आप जितना ही प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम में
कुछ चीज़ें ना आपकी कंट्रोल के बाहर रहने वाली हैं। जब आप मेन एग्जाम में बैठेंगे ना, तो चाहे आप कितने भी मॉक दिए हो, कितने भी टेस्ट दिए हो, पर वो प्रेशर बहुत अलग रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप यू हैव एवरीथिंग टू लूज। ऐसा हो जाएगा कि आप कोई भी सिंपल क्वेश्चन आंसर करने के पहले भी दो बार सोचेंगे। ये सब मैंने प्रैक्टिस करके रखा था टेस्ट सीरीज से ही। मैंने बार बार बोला है टेस्ट सीरीज दो, एक वीडियो भी मैंने पब्लिश किया था इसी पे। अब जब मैं देखता हूँ कि अगर यार मैं यही करता, वहाँ पे जाके अगर एक एक क्वेश्चन दो दो बार एनालाइज करता ना, मेरा टॉप 300 रैंक भी नहीं आता। एग्जाम में ऐसा भी हो जाएगा कि ना आप पैनिक करने लग जाएंगे प्रेशर के अंडर, चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर जाने लग जाएगी। और यही मेरा एप्टीट्यूड में हुआ, मैंने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, पर सबसे अच्छी बात यह थी कि ना मैंने सही टाइम पर अपनी मिस्टेक्स एनालाइज की, रियलाइज़ की, और उससे रेक्टिफाई करने के लिए स्टेप्स लिए आगे। मैंने वही स्ट्रेटेजी फॉलो की जो मैं प्लान करके चला था कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है। वो था कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन बनाओ जो इजीली बन जाए, उसके बाद जो ट्रिकी वन से उस पर जाओ। अभी लास्ट टाइम बचा है, मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूँगा कि नया टॉपिक कोई सीखना थोड़ा टफ होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जितना आता है ना, उसमें बेस्ट परफॉर्म कीजिए। अब जितनी चीज़ें आपको पहले से आती है, उन्हें परफेक्ट कीजिए। हर कोई ना खुद को अंडर एस्टिमेट करता है, मैं भी करता था। आपको ना जितना लगता है ना, आपको हमेशा उससे ज़्यादा ही आता है। अगर आपको ये बिलीव नहीं हो रहा, तो एक बार बस पेन और कॉपी उठाइए, टॉपिक्स के नाम लिखें कि जिसमें आपको लगता है कि आप थोड़े कंफर्टेबल हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉजिटिव एटीट्यूड ही मेरा स्ट्रेंथ था। मैं हमेशा फोकस करता था कि किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन पे पहुँचो, ना कि उसके बारे में चिंता करते बैठो। लास्ट टाइम में ना आपका कंपोजर बहुत टेस्ट होगा। मैं अभी भी आपको बोलूँगा कि एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करो, सारे क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। गेट 2016 में मेरे सिर्फ 6 या 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए थे, स्टिल मेरा 1056 रैंक आया। जो भी लोग अभी गेट का एग्ज़ाम देने वाले, उनके साथ कुछ शेयर करूँगा। कुछ लोगों के लिए ना ये एक गुड न्यूज़ होगी, और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ उनके लिए है जिनकी बहुत अच्छी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, और बैड उनके लिए जिन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है। ट्रूथ है कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। जो आप वहाँ उन 3 आवर्स में एग्जीक्यूट करने वाले हैं ना, वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा होता है कई बार कि जिन्होंने कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया, उनका भी अच्छा रैंक नहीं आता। और मैंने खुद ऐसा होते हुए देखा है कि कुछ लोग जिनका अच्छा रैंक नहीं आया, उतना कभी टॉप 200 में भी रैंक नहीं आया, उनका एग्जीक्यूशन जब एग्ज़ाम में अच्छा हो गया ना, तो वो भी इतना अच्छा रैंक लेके आए हैं कि अभी टॉप PSC और टॉप IIT में है। आप जो परफॉर्म करने हैं एग्ज़ाम में, मैं उसको क्वांटिफाई करूँगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जीक्यूशन। कुछ सिनेरियोज एनालाइज करते हैं। जिन लोग की तैयारी बहुत अच्छी है, लेटर से 9 out of 10 देते हैं उनको तैयारी में, प्लस वो जाके अगर एग्जाम ही बहुत अच्छा एग्जीक्यूट करके आए, लेटर से 9 out of 10 अगेन, तो उनका स्कोर होता है 81। अब कंपैरिजन के लिए, लेटेस्ट से वही लोग जिनकी तैयारी 9 out of 10 थी, वो वहाँ जाके अगर एग्ज़ाम में गड़बड़ किए, उनका एग्जीक्यूशन का स्कोर आया 5 out of 10, तो उनका ओवरऑल स्कोर आया 45। अब इस स्कोर को किसी एवरेज बंदे से कंपेयर करते हैं। एक एवरेज सा इंसान है, उसने तैयारी ठीक ठाक की, लेट अस अज्यूम उसकी तैयारी का स्कोर है 7 out of 10।
एग्ज़ाम भी उसका बहुत खास नहीं गया, वो भी एवरेज रहा। लेटेस्ट से वो भी 7 out of 10, तो उसका स्कोर होता है 49। यहाँ मैं दोनों टाइप के वैरायटी ऑफ लोगों को ध्यान देने बोलूँगा, जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है और जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको ही मैं बोलूँगा कि इट्स नॉट ओवर येट। अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे एग्ज़ाम में अच्छे से तो मे बी आप उतना अच्छा स्कोर ना कर पाए। और जिन लोग की तैयारी बहुत एक्सेप्शनल नहीं हुई है, मैं ये बोलूँगा कि आप अपना बेस्ट दीजिए। मे बी हो सकता है वो एवरेज परफॉर्मेंस ही हो, पर आप उतना दीजिए। आप उतने ही परफॉर्मेंस में ना जिनकी अच्छी तैयारी हुई उनको आराम से पीछे कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हर कोई बराबर होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई IIT है कि नहीं। आपको इसके भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे कि आप पिछले कुछ मंथ्स में मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किए। एग्जीक्यूशन 3 पार्ट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, वो है एक्यूरेसी, स्पीड और जजमेंट। जजमेंट ये होता है कि आप एक बार में देख के बता सकते किसी क्वेश्चन को कि आपसे बनने वाला है कि नहीं। फोकस हमेशा ये करना चाहिए कि सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इजी क्वेश्चन ही सबसे पहले आप बनाएं, क्योंकि कोई क्वेश्चन इजी है दैट मीन्स आपकी स्पीड अच्छी रहेगी उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो कम टाइम में बन जाएगा। प्लस क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन है ना, तो आपकी मोस्ट प्रोबेबली वो एक्यूरेट भी रहेगा, आप सही ही बनाएंगे उसे, तो उससे एक्यूरेसी वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। गेट 2016 में मैं बोलूँगा अप्रॉक्स 60% ही तैयारी हुई थी मेरी, उसमें मेरा 1056 रैंक आया। पर जब मैंने एनालाइज़ किया पेपर को, तब मैंने देखा कि तो भी मैंने काफ़ी सारी सिली मिस्टेक्स की थी जिसके कारण मेरे मार्क्स कट गए। मतलब मैं कंक्लूड आपको ये कर रहा हूँ कि इवन एट 60% ऑफ योर प्रिपरेशन आप अगर एग्जीक्यूशन सही रखें तो भी इजिली टॉप 150 रैंक आ सकता है। किसी को बिना अच्छे रैंक लाने के लिए ऐसा 60-65 अटेम्प्ट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो 45 अटेम्प्ट आप कीजिए, पर एक्यूरेटली कीजिए। उतने में भी आप एनालाइज़ कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मैकेनिकल सिविल का क्योंकि कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो अगर वो 50 क्वेश्चंस अच्छे से एग्जीक्यूट करे, एक्यूरेटली एग्जीक्यूट करे, तो भी मैं बोलूँगा कि टॉप रैंक आने का चांस है। आप रियलाइज़ कीजिएगा जितना आप नर्वस होते हैं, जितना टेंस्ड होते हैं, उतना प्रोपोर्शनली एफिशिएंसी गिरती है आपकी। आप पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करके जाइए, आप क्या करेंगे जब आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आप क्या करेंगे जब आपका आंसर जो आया है वो ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही इमेजिन करके जाएंगे तो कोई ऐसी सिचुएशन बचेगी ही नहीं जो आपने कभी फेस नहीं की, और आप कभी टेंस ही नहीं होंगे। कूल माइंड ही है जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ बाहर ला सकता है। आपको सही से एग्जीक्यूट करना है, दैट इज़ जज करना है, एक्यूरेसी से सॉल्व करना है और तेज़ सॉल्व करना है। एग्ज़ाम में हर थोड़ी थोड़ी देर में सिर उठा के टाइम देखने से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, ना ही हेल्प मिलेगा बार बार हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखने के लिए कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जो एग्ज़ाम है वो आपका टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है आपके। आप कैसे बिहेव करते हैं जब आपका आता हुआ क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे, आप कैसा सिचुएशन को हैंडल करेंगे जब आपको दिखेगा कि टाइम कम बचा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रिमेनिंग है। आप अगर पैनिक होते हैं तो आप खुद को कैसे उस सिचुएशन से बाहर ला के कूल करेंगे, आप कैसे अपना कंपोजर होल्ड करेंगे, आप कैसे कूल माइंड रखेंगे ताकि आप अपना बेस्ट, आप अपनी बेस्ट एफिशिएंसी बाहर ला सके। आप कैसा बिहेव करेंगे जब आपको लगेगा कि आपका ड्रीम आपकी आंखों के सामने टूट रहा है सिर्फ वो 3 घंटे में। थॉमस एडिसन ने कहा है, टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम बट आई डोंट केयर बिकॉज अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड माई फ्यूचर। ये जो कोट है वो सिर्फ पार्शियली ट्रू है। ये सच है कि ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, पर
ग्रेटली अफेक्ट कर सकते हैं कि वो क्या रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर नहीं निकाल पाए तो आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर नहीं निकाल पाए तो आप एक फेलियर है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक पेपर नहीं निकाल पाए तो आपने जो ड्रीम्स देखे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि ना, एग्ज़ाम में जाइए तो ऐसे जाइए एज इफ यू हैव नथिंग टू लूज़। ये रिग्रेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि यार काश मैं ये टॉपिक पढ़ लिया रहता जिसका क्वेश्चन आज आ गया, काश मैं थोड़ा ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ दे दिया रहता, काश यार मैं थोड़ा जल्दी तैयारी चालू किया रहता ताकि मेरा कोर्स लास्ट तक ख़त्म हो जाता। एग्ज़ाम चालू होने के पहले मैंने खुद से कुछ प्रोमिसज़ की। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो मैं गिव अप नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बुरा सिचुएशन आ जाए पैनिक नहीं करूँगा, फुल्ली आंसर करूँगा क्योंकि मैं तभी अपना बेस्ट दे सकता हूँ, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट नहीं करूँगा, रिग्रेट नहीं करूँगा कि काश यार मैं ज़्यादा पढ़ लिया होता। अगर मेरे क्वेश्चन कम भी बने तो भी मैं गेस नहीं मारूँगा क्योंकि वो गलत ही होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इस एग्ज़ाम को वैसे ही देना है जैसे ये कोई एक नॉर्मल एग्ज़ाम है। अगर आपको अपना बेस्ट देना है तो आपको अपने एम पे फुल फोकस रखना पड़ेगा। एम है कि जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको करेक्टली और जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। आपको अपना फोकस किसी आर्मी के स्नाइपर जैसे रखना है। वो ये फील नहीं करते कि उनकी पीठ दुख रही है, वो ये फील नहीं करते कि उन्होंने दो दिन से खाया नहीं खाया, वो ये इस चीज़ से नहीं डरते कि उनके सामने कितने दुश्मन हैं। उनका सिर्फ फोकस रहता है अपने टारगेट पे, क्योंकि उनको पता है एक ही मौका है। एग्जैक्टली आपका भी सेम सिनेरियो है, आपके पास भी वो एक मौका है। वो 3 घंटे ही है जिसमें आप अपना कर्म दिखा सकते हैं, वो 3 घंटे ही आपकी बैटल फील्ड है। अगर आप एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन नहीं बना पा रहे काफ़ी टाइम देने के बाद भी, तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन टफ हो सकता है वो इतना टफ हो कि ऑल इंडिया में कोई नहीं बना पा रहा हो, या बहुत ही लिमिटेड लोग हो जो काफ़ी टाइम देने के बाद ही बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिप्रेस होने या टेंशन लेने के बजाय आपको स्मार्टली काम करना है। आप तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए, उसके बदले कोई और क्वेश्चन बनाइए। आपका टाइम भी बचेगा, आपका एनर्जी भी बचेगा, उतने ही एफर्ट में आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे सही क्वेश्चन बनाने से। एट द एंड मैं आपको ये बोलूँगा कि आप बस अपना बेस्ट दीजिए, सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए, एंड बिलीव मी योर बेस्ट इज़ मोर देन एनफ।